जाना है या ताजर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ उस पहाड़ से भी जाना है, वो भी उधर से आएगा, सही है, उस साइड से आके इधर तक आएगा। तो आगे अगला मंथ में हम आंसू झील भी जाने हैं। आंसू झील इधर से 4 घंटे का रास्ता है, तो आंसू झील पे जब हम जाएगा पूरा वीडियो बनाएगा आप लोगों के लिए। हमने तो वैसे भी देखा हुआ है, तो हम 4-5 दफ़ा हम आंसू झील गया हुआ है। ये सैफुल मुल्क झील है, इधर तो हमारा 50 से ऊपर है, तो हमारा पहली वीडियो भी आप लोग देखते रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत जगह है। कभी भी आए हम आप लोगों को पूरा रास्ता पैदल आने का आप लोगों को हमने गाइड किया हुआ है। 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे में हम आराम से बिल्कुल आराम से पैदल हम पैदल पहुँच जाते हैं। तो अगर स्पीड आए तो 1.5 घंटे भी हमें लग सकते हैं। तो आप लोग जब भी आएगा हमारी वीडियो देखें पहले। अभी हमने वो इधर जो सैफुल मुल्क का स्टोरी भी हमने बनाया है उसको भी हम अपलोड करेगा, 10 मिनट का वीडियो है, उसको भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है हमारे यूट्यूब को। इब्राहिम टूरिस्ट व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, तो ये लाजमी है। तो यहाँ थोड़ा नेट का इशू है, हम जब लाहौर जाएगा फिर हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आप सबकी वीडियो हम विज़िट करेगा, आप सबकी वीडियो को फुल वॉच करेगा। तो आप लोग भी हमारी वीडियो देखते रहते हैं, हमें उम्मीद है, तो फुल देखा करें प्लीज़। तो हम आप लोगों को प्लीज़ ही बोल सकते हैं, तो और क्या कह सकते हैं। तो ये सैफुल मुल्क झील की पूरा स्टोरी, मलिका पर्वत की वो पहाड़े हैं, देखो आप बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे। ये जो सामने बर्फ़ का जो पहाड़ है ना, ये मलिका पर्वत है। इधर आज तक किसी ने ये सर नहीं किया, इधर अल्लाह के नाम है और कोई जिन्नात का कंट्रोल है, तो इधर जो है ना ये जो पहाड़ है ये किसी ने सर नहीं किया। तो ये जो K2 सर किया है, माउंट एवरेस्ट सर किया है, हमने स्टोरी में हमने सुना है नंगा पर्वत, हाँ मलिका पर्वत यानी खूबसूरती है। ये सारा पहाड़ को मलिका पर्वत बोलते हैं, उनका सबसे ऊँचाई वो है, सही है। तो माउंट एवरेस्ट G1, G2, K2, तो ये सब लोगों ने जो सर किया है वो आज तक ये सर नहीं किया है, सही है। सर तो आपके लिए घोड़ा भगा के लाएं। ये हम घोड़ी पे बैठते हैं, घोड़े पे हम नहीं बैठते हैं। घोड़ी, ये घोड़ी है, ये छोटी है ना। अच्छा कितना पैसे लेते हैं? बर्फ तक जाना है तो इधर तक जाना आपकी मर्जी, रेट है। रेट कितना है? 201 साइड का। अच्छा 200 हमारे पास नहीं है ना। आप किधर का? हम इधर ऊपर रहते हैं। ऊपर रहते हैं, अच्छा। तो ये है जी घोड़े भी आप लोगों को मिलेगा, घोड़ी पे बैठना है घोड़ी मिलेगा। तो ये जो भी इंसान की शौक़ होते हैं, सही है। तो ये सारा एरिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ से आप लोगों को घोड़ा मिलेगा, यहाँ तक जीप आते हैं, इधर से आगे आंसू झील जाने के लिए आप लोगों को घोड़ा मिलेगा, घोड़ी मिलेगा, खच्चर मिलेगा, आप उस पर बैठ के जाएँ बेस कैंप तक। बेस कैंप से आगे हाइट है, वो आधा रास्ता उतार देते हैं, आधा रास्ता घोड़े पे बिठा लेते हैं। तो आंसू झील, आंसू झील का रास्ता कब खुलेगा? आंसू झील का रास्ता 1 महीने बाद खुलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुरू करो। बात यह है सर जी, जब वो परी को यहाँ से हासिल करके ले गया मिस्र में, लेकिन वहाँ जाकर हंसी खुशी रहने लगा, लेकिन उसकी औलाद नहीं हुआ, बच्ची बुची नहीं हुई। नहीं, हमने सुना है कि वो शहजादा इधर आया, उसने इधर जिक्र खुदा किया, कह रहे मतलब कोई कितने महीने इधर बैठ के चिला काटा, उसने चिला काटा है, कितने दिन, कुछ कोई अंदाजन है? 40 दिन। 40 दिन बताया थी, 40 दिन अल्लाह की इबादत की। अच्छा, अल्लाह के इबादत के अलावा कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं होते हैं ना। तो ये जो जिक्र खुदा होते हैं, जिक्र करते हैं, तो ये परी जैसे हमारी ज़बान में खला बोलते हैं ना, खलाओं, तो वो इनको कंट्रोल होते हैं। सही बात है। फिर जाके उनकी थ्रू उनको पहले जिन कंट्रोल हुआ था ना, काबू करने पड़ते हैं। हाँ, काबू किया उसने जिन को, बिल्कुल। फिर जब जिन काबू होने के बाद जो है ना, उस जिन ने परी के कपड़े लाए थे ना, परी के कपड़े ला के उसका सैफ नाम था ना, जो शहजादे का सैफ नाम था, परी का बदर जमाल, बदर जमाल, बदर जमाल परी के नाम है, सैफ जो है ना शहजादे का नाम है। फिर इनकी शादी हो गया, अब इनको बच्चा हुआ नहीं हुआ, ये तो बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ,
क्योंकि परी के साथ बच्चा नहीं, नहीं उसके बाद ये कैसे आबाद हुए ये मतलब आप पहले कह रहे थे ना, एक बार में बात सुनो, पहले आप कह रहे थे यहाँ कुछ भी नहीं था, खाली झील था, वहाँ आबिद नहीं थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की बात की बात है। अच्छा अच्छा, दौर में जिन पूत हर चीज बातें करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सैफ उस वक्त तो नहीं आए थे ना? ना ना, उस वक्त आया सैफ। अच्छा, तो फिर उस वक्त तो हर कोई लोग परियों को आमने सामने आमने सामने ना? ये तो हजरत सुलेमान की दुआओं की बात से परी को, परी जिन्नात को हम नजर आते हैं, हमें वो नजर नहीं आते हैं। नहीं तो ये अभी जैसे हम कोई घर बनाते हैं, जमीन बनाते हैं, उधर प्रॉब्लम बनते थे ना, इंसान बीमार होता था वो, क्योंकि हमारा झगड़ा होता था। जैसे आजकल भाई भाई के आपस में झगड़ा होते हैं जमीन के पीछे, घर के पीछे ना, तो ये कहानी है इनका। अभी इसीलिए जब हम घर बनाते हैं पहले उधर बकरा ज़बह करते हैं, अरे जिन वगैरह कब्जा न करें, कोई मतलब सदकत है कि फिर घर का बुनियाद रखते हैं। आपको उधर शादी का क्या रिवाज होता है? बड़ा इतना ज्यादा नहीं पड़ते जितना आप लोग कहते हैं ना, 8 फुट 10 फुट। इधर तो ज्यादा पड़ती है, हमारे वहाँ ज्यादा 6 इंच या 4 इंच पड़ते हैं, बस ज्यादा नहीं पड़ते। तो जब इस तरह धूप निकलते तो वो खत्म हो जाते। ग्लेशियर नहीं आते वहाँ? ग्लेशियर आगे इलाकों में आते हैं, हम तो शहर में ना, नीचे वो एक हिसाब से शहर है ना। आपको उधर जो जो सामान आता है वो किधर से आता है? हमारे इधर पिंडी से आते हैं, बाजार उधर से नहीं आते, चाइना बॉर्डर से, चाइना से गिलगित में आते हैं हम। हमारे बंदे जाते हैं ना गर्मियों में उधर चुनाई प्लास्टर का काम के लिए। आप कहाँ से? हम मकानी है नारायण के जी। सही है, फिर अभी हम भी नारायण का हो गया, 6-7 साल हो गया इधर। कौन से होटल में काम करते हैं? मेजोनेट। मेजोनेट कितने महीने के लिए आता है? ये 3-3.5 महीने के लिए, जब तक बंद नहीं हो तब तक काम करते हैं मेजोनेट। अच्छा चाचा, अभी वो परी और परिनी वो दोनों शादी करके गए? शादी, आपको उधर शादी का क्या रिवाज है? हमारे वहाँ नहीं, वो अभी हमारा कहानी का वही एंड रह गया था ना, रह गया था ना, आपने वो बस थोड़ा छोड़ दिया ना। देखो यार उस्ताद, ये आखिरी बताओ, उसके बाद क्या हुआ, उसके कितने बच्चे हुए? बच्चे बुच्ची नहीं हुए। अच्छा अभी रुको सब एक मिनट। बिल्कुल, ये बैठ गया, बर्फ नहीं होती।